विराजमान गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जी फतह साझी करते हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतह। साध संगत जी, आज 14 अक्टूबर हो गया, 7 साल पूरे हो गए। वैसे 1 जून नु बेअदबियां दे 7 साल पूरे हुए सी। आज गोली कांड दे भी 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 दे विच आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी। ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर। डायर नु भेजिया किसने सी? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी, माइकल ओडायर दे हुकम ते जनरल डायर ने वो खेल गया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी, गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच, कोट कपूरा दे विच, बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर हुए। इंजूरी इतनी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोगों को जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर दी फौज नहीं आई सी, वो फौज पंजाब दी सी जी। एक पंजाब उधर भी है, एक पंजाब इधर भी है। उधर दे हुक्मरान सीगे, उन्होंने की कहा? मेरे को अखबारों की कटिंग है, सारा कुछ है। कि आईएसआई दा हाथ है जी, ए आईएसआई लाहौर तो नहीं आई सी जी, ए आईएसआई ऐसे पंजाब दी आईएसआई। और जो हुक्मरान सीगे उन्होंने अपनी आईएसआई सी। हुण तुसी देखो जदों 7 साल पूरे हो गए, पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी, पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी, तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजरी भरो, अपने विचार सांझी करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो, मैं विचार कोई सांझी नहीं कीती। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे, इंसाफ नूं यकीनी बना के आवांगे, फिर मैनू विचार सांझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार सांझी करोगे, मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उत्थों गया सी मत्था टेक के, लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हां जी। मैं खिमा दा याचक हां, खिमा दा याचक हां, खाली हाथ आ जाया हां तुहाडे कोल। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई यह नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी, तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने, जेकर कोई तुहानू बोलता है कि मैं इंसाफ दिलावांगा, वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा, अपने आप दे नाल धोखा करूगा, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण यह अध्याय अज तो बाद बंद हुंदा है जी, आज तो बाद यह अध्याय यह चैप्टर बंद होंगे। मैं जो देश इस्तीफा दिता सी, एक परिवार ने खुशी मनाई सी, उन्हां दे 2-3 चैनल सीगे, चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा कि मान हानि का दवा करो, किसी ने कहा कुछ करो, किसी ने कहा कुछ करो, मैं कहा कि नहीं, मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन सी, बैसाखी दे दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है, और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इत्थों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना नु भी बुलाया हां, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आउणे सीगे, हाई कोर्ट दे विच उहनां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने।
आज एक एक चीज थोड़े सामने रखना है और इतने फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक पे पाया सी, कागज है तुसी लेके जाओ पढ़ो, जा मेरे फेसबुक पे देख लो। जब मैं इस्तीफा दिता कैप्टन साहब ने 13 तारीख नूं अखबार दे विच प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत बढ़िया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे जी, एक काम करूंगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है आईपीएस दे विच। मैं क्लियर किया जी, तुसीं फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया सी जी, सेवा देश दे जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, सेवा देश दे जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हें लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट नो रिग्रेट, मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं जी, मैं अपना फर्ज अदा किया जी, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। एदे विच दो चीज सीगा, मैं सारियां नूं बेनती कीती कि ना तुसी इस मुद्दे ते राजनीति करो, ना इस मुद्दे नूं ग्लैमराइज करो। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे 13 तारीख नूं आके बुर जवाहर सिंह वाला दे विच लाइव हो गया सी, मैं ना नहीं लेना चाहुंदा हां, चंगा नहीं लेगा इस वेले, तुहानू भी पता है, सवेरे सवेरे आके लाइव हो गया, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ। तो बेअदबी 2015 दे विच होई सी, तुसी किथे सीगे जी? तो सीधा 13 अप्रैल नूं आ रहे हो, वो भी 2021 दे विच, कि गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिदा है तुहानू जी, हिसाब चाहिदा है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, Each and every sentence of my report and charge sheet is an evidence in itself. जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो उन्हां वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्होंने इस तरीके दा झूठ फैलाया, जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट किथे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इथे सीगी, आज भी रिपोर्ट इथे पई है। इस अदालत तो चोरी करके जी, कैमरे दे राही कैम स्कैन करके 2-4-10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी, तुसी आप इंसाफ करो, एक रिट किया गया 2019 दे विच चोरी करके जी, इस अदालत वो भी 2-4-10 सफे जी रिट दे नाल लगा दिता गया, और उस रिट दे आधार ते फैसला हो गया जी, चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स, कैम स्कैन किते हुए डॉक्यूमेंट्स। इस मुल्क दा संविधान इजाजत नहीं देंदा कि कैम स्कैन दे नाल तुसी चोरी करो, चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो, अदालत दे विच भी। मैं अपने जिहड़े वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पुछो कि रिपोर्ट दे 2-4-10 पन्ने किस तरह आए जी, किस तरह आए, लेकिन उन्हां वकीलां ने यह गल नहीं कही, क्योंकि उन्हां नूं हिदायत सीगी कि रिपोर्ट खारिज करवानी है, रिपोर्ट खारिज करवानी है। आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर, रिपोर्ट का एक एक लाइन जड़ा है ना जी, सच्चाई है, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है, दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो,
आई हैव फाइल्ड द अपील इन द कोर्ट ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी फॉर फाइनल वर्डिक्ट फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने दो साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे चोरी सीधा चार पांच दस सफ्या के आधार से रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो तो वो बंदा किथे जाऊगा जी अपील लेके किथे जाऊगा। सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर दिखाई देती सी। मैं इस्तीफा दे दिता सी इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखिया कि मेरी कानून दी जानकारी मैं भी एलएलबी की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। मैं लिखिया कि मेरी कानून दी जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है। उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। आई विल कंटिन्यू टू सर्व द सोसाइटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर हाउएवर नॉट इन द आईपीएस। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे लेकिन मैं कहा कि आईपीएस दे रूप दे विच नहीं लेकिन समाज दी सेवा मैं करदा रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी दी अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी उत्थे मैं क्यों गया तुसी सोच सकदे हो। अज भी देखो मानजोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब मैं बार बार कोशिश की लिखती तौर पर भी इन्हों बेनती की सर मैं पूरा मौका दिता जाए। जो मौका देंगे सारी डिटेल में विधानसभा के ही रखनी सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 विधानसभा का एक इजलास होया सी स्पेशल सेशन तुसी सारे याद करो जो नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 दा दिन सी। सबेर तो लेके शाम तक डिबेट होया डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी एक रिसोल्यूशन पास होया उस रिसोल्यूशन दे आधार ते साडी एसआईटी बनी सी जिस दे विच मैनू भी रखिया गया सी। एक कोई साधारण एसआईटी नहीं सी ताही मैं बार बार बेनती कर दूं मानजोग स्पीकर साहब आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करूंगा कि तुसी रखो परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है तुसी एक दिन की थान दो दिन का रखो ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असी डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी दे सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट दी गलत हो जावे तो मान जो कि स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की तो एक लाइन भी जेकर गलत हो जावे जी इस्तीफा पहला ले लो मंजूर बाद दे विच कर देना लेकिन डिबेट कराओ खुला समा दो फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत से यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है मैनू सुखराज सिंह जी फोन आया सुखराज सिंह जी बैठे हुए कि 20 मई नू तारीख है 20 मई ऐसे साल तो जिस आधार से पिछली रिपोर्ट कोटकपुरा वाली खारिज हुई सी बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही थी 20 तारीख 20 मई 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानजोग सीएम साहब नू कापी की स्पीकर साहब नू बाई हैंड लेके गया मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू बचा लो क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है मेरे वास्ते एमएलए कोई बड़ी चीज नहीं है आईजी दे ओदे तो इस्तीफा दे चुकिया चलो इन्होंने अपने पद्धर ते काम किया मैं निजी तौर पर एक वकील किया ते असी 20 तारीख नू गए अदालत दे 20 मई नू कई लोगों ने कहा कि अपने सीएम नू चिट्ठी लिखी अपने सीएम नू चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे सीएम नू नहीं लिखांगे अपने सीएम नू ही लिखांगे जी जो बेनती करनी है अपने सीएम नू करो अपनी सरकार नू ही करो
ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਆਜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਡਰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੋ ਸੀਟ ਬਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਸੀਟ ਇੱਕ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹਿਵਲ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਬਹਿਵਲ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸੀਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਲਿਆਓ ਜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ 89 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ
15 दिन बाद वो भी इस मुल्क दे संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस दा स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो, उन्होंने लिखा होया है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुंदा है वेबसाइट दे उते ते तुसी क्लेम कर सकदे हो कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्होंने लोगों नूं मैं कहा जिहड़े सलाहकार सीगे डीजीपी एडवोकेट जनरल, दो दिन बीत गए, चार दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापिस लो, तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पर अर्जी दो कि 9 तारीख नूं जो ऑर्डर जवानी तौर पर सुना दिता गया वो ऑर्डर अज भी आया नहीं, तुसी उन्हें नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोची समझी साजिश सी। उन्होंने कोल बहुत वड्डे वड्डे चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया सी तनखाह लेना। इंडिया का सब तो वड्डा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनखाह लेना जी। दसो एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसी देख लो हजारा रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनखाह लेना। तो उन्हां लोकां ने यह सारा कुछ बनाया सी, चाह की सी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जो राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज राज नहीं है, वो राज चली जाऊगी। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा राज चला गया, तुसी इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी मेरा इस्तीफा मंजूर कीता। कल्ले नहीं गया सी, उदो दे मानजोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिदा है इस इस्तीफे दा, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदो दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई होंगी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी। और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी चाहिए, सच्चाई हमेशा सामने रहनी। 27 मई 2019 मैं पहला चलान फरीदकोट जी मानजोग अदालत दे विच दिता सी। 27 मई 2019 तुसी कागज पढ़ लो, कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद है, इत्थे मौजूद है। देखो 27 मई का ऑर्डर तुसी देखो कि चलान अदालत दे विच पेश किया गया, चलान दुरुस्त पाया गया, पुट इनटू कोर्ट किया जाए जी मानजोग अदालत दा ऑर्डर। दोषियों ने कहा कि नहीं कुंवर विजय प्रताप दा कल्ले दा साइन है जी, लिखती तौर पे ऑब्जेक्शन पाया। आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता, तुसी पेशेंस रखना है। आज जी आज मैं पूरा समय लेके आया हाँ जी, कागज समेत आया हाँ, तुसी जिन्ना मर्जी कापी करानी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां थां ते नाम सीगा जी, थां थां ते। इन्हां ने ऑब्जेक्शन दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए, जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमान नूं भेजदे सी। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्होंने अर्जी दी ऑब्जेक्शन की, कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफ़ियां दा ऑर्डर है जी, 3/8/2019 दा, जवानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं, 3/8/2019 दा ऑर्डर है मानजोग अदालत फरीदकोट।
3-8 ਨੂੰ ਦੇਖੋ 3-8 ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ फैसले का काम है ये फैसला करना है तो सिर्फ फैसला करना है नहीं फैसला करोगे इंसाफ नहीं मिलना है जी कापी लेके जाओ तुसी कापी लेके जाओ ता मैं लेके आया हाँ मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया असि लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ते रहेंगे जी जो तक साह रहेगी असि कानूनी अदालतों के भी लड़ाई लड़ेंगे छड़ना नहीं है बेशक अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के बीच पाई है वो इंसाफ दे भी रहे हैं इंसाफ दे रहे ने सत श्री अकाल जो लोग समझते सी कि ओना तो बगैर पंजाब दी सियासत पंजाब दी राजनीति नहीं चलनी है आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए ने और गुरु महाराज की कृपा रहेगी वो दोबारा विधानसभा दी सीढ़िया तक नहीं जानगे उत्थे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने छल किया कपट किया ऑर्डर देखो अदालत का फिर उन्होंने अपील पाई सेशन अदालत फरीदकोट दे विच 15-11 का फैसला देखो देखो समा ते ना जाओ 15-11 का फैसला देखो मानयोग अदालत सेशन अदालत उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो रिपोर्ट दुरुस्त है कुंवर विजय प्रताप सिट का मेंबर है और सिट का मेंबर होंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है यह भी 15 सफ्या का ऑर्डर है 15-11-2019 ना 3-8-19 का ना ही 15-11-2019 इस ऑर्डर नु चैलेंज नहीं किया गया यह ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है ये तुम देखो पढ़ो सबूत है जिस अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी चलान ठीक है जी सारा कुछ ठीक सारा कुछ ठीक फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है इंसाफ नहीं है ना जी ये इंसाफ नहीं है मैं सबूत दे नाल गल करदा सबूत दे नाल 7 सालों तो इतने इजलास लगते रहे ने बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने कई ने कनाडा दे विच अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति सौदा कर लिया जी उस परिवार तो सौदा कर लिया जी असी तो देखो जी जनता करना है इस रिपोर्ट में असी तो यह करना है जी वो करना है जी तो ले दे के चले गए जी दूसरे मुल्कों दे विच कोठी बनवा ली हुण गल सामने आउंदी है जी रिपोर्ट खारिज हुई एल के यादव नु मुखी बनाया गया हाई कोर्ट ने कहा सी कि एडीजीपी रैंक जा उस तो ऊपर दा होवे जी 35 तो ऊपर अफसर सी गया लेकिन ओना चो किसे नु नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी सिट दा मुखी एल के यादव दा प्रमोशन किया गया प्रमोशन करन वास्ते 7 होर अफसरां दी उहनां दा भी प्रमोशन किया गया क्यों क्योंकि वो उहनां तो ऊपर सीगे जी एल के यादव नूं उहदा मुखी बनाया गया जी 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दित्ती गई जी जदों मैं विधानसभा दे विच 0 आवर दे विच गल रखी मैं धन्नवादी हाँ मानयोग स्पीकर साहब दा कि 0 आवर दे विच फिर इन्हां नूं बोलन दा मौका मैनूं दित्ता फिर इन्हां ने देखो की कीता सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो वो भी 12-13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इथे इजलास है जी इस करके 12-13 नूं उन्होंने तलब कर लिया ये गुमराह नहीं कर सकते जी हुण गुमराह नहीं किया जा सकता किसे नूं भी गुमराह नहीं किया जा सकता जदों एल के यादव सिट दा मुखी बन गया जी चिट्ठी दो मैनू कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी मैं तो नौकरी छड़ दी थी जी फाइल सारी उन्होंने दे दी थी आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो मैं नौकरी छड़ दी थी जी मैं नौकरी छड़ दी थी मैं कितों सबूत लियावांगा सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है आ कागज है देखो कागज बोलता है ना जी मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता एल के यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी मांग रहा है देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा नहीं दे सकता जी नहीं दे सकता बिल्कुल नहीं दे सकता आ कागज देख लो तेज करके सबूत तुसी देना है जी
हुण पुलिस हुण एसआईटी हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है। मैं सीधा साधा बोलता मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। सात साल तो वैसे बीत गए, सात साल वैसे बीत गए जी। एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है, सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के ऊपर चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी उन्हों का बयान है मेरे को, उन्हों का बयान 262 नंबर FIR 2007 दा सिटी भटिंडा। मैं जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तक तो देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 दा। 2007 दे विच की होया सी, ब्लास्फेमी केस, स्वांग रचन दा एक केस होया सी, स्वांग रचन दा केस, ब्लास्फेमी केस, ब्लास्फेमी केस, स्वांग रचन दा। देखो देख लो 2007 दे विच होया सी, गुरु गोबिंद सिंह जी दा किसी ने स्वांग रचिया सी, याद है तो हुण मैनू दस दो थोड़ा, हां तां हां जां ना कर दो। 2007 दे विच होया सी, नहीं भूल सकदे जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जाए जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असि सारी फाइल मंगा ली जी, साध संगत जी देख लो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 दा मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है 2012 दे विच। 30 तारीख नूं इलेक्शन है जी, असेंबली दा इलेक्शन है। आज तुसी कह रहे हो कि सौदा साध नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी, आज भी दिता गया 40 दिन दा पेरोल। ते ओ मुकदमा जो 2007 तो चलदा आ रहा सी, इलेक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने, केड़ा इंटरेस्ट सी तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार दा चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि ऐसे मुकदमा कैंसिल कर दिता? आगे देखो एदे विच मानजोग गवर्नर साहब दा ऑर्डर है जी, मानजोग गवर्नर साहब दा ऑर्डर 196 CRPC दे तहत लोड़ पैंदी है, ठीक है, समायत मंजूरी दी। SSP उदो नौनिहाल सिंह सीगे, उन्होंने चिट्ठी लिखी DGP पंजाब नू, आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब दे कोल, मंजूरी आई है कि यह मुकदमा चलाया जावे, चलान टुकट कराया जावे। ते जेकर मान लो, मान जो गवर्नर साहब ऑर्डर कर रहे ने मुकदमा चलाउन वास्ते, ते सिटी भटिंडा दा SHO हिम्मत तो नहीं रखता है ना जी कि वो कैंसिल करेगा? कैंसिलेशन दी मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसे SSP ते आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदो दे SSP नौनिहाल सिंह, आज वो भी IG ने जी, और जिन्होंने कैंसिलेशन दी मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल, वो भी आज IG ने जी। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे, और मेरे नाल अज दो वकील, तीन वकील ने जी, उस दिन पंजाब वकील होणगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी, ए आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पुछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब, कि तुसीं ठीक सीगे, ए दोवें ठीक नहीं हो सकदे जी। अदालत दे सामने फैसला आएगा दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं इत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया, कारण
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੱਤ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਤ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੱਸੋ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਔਰ 16-10-2015 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ 2007 ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਭ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਇਹ 2007 ਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਲੜਾਕੂ ਕੌਮ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇ ਲਈ ਲੜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
वह भी देख रहे होंगे उन्होंने वालों स्थापित किए गए उस अकाल तख्त साहिब दे विच की काम हो रहा है जी। खेमा का याचक शब्द जोड़िया जा रहा है, कौन जोड़ रहा है जी और कौन जुड़वा रहा है, कौन जुड़वा रहा है, कौन दोषी है तुसी दसो, दोषी कौन है, दोषी कौन है। तो जेकर अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर दे विच 2007 दी चिट्ठी है ओदे विच अपने वालों ही तुसी लिख रहे हो खिमा दा याचक, तो तुसी उम्मीद करते हो कि इंसाफ मिल जाऊगा, मिल जाऊगा तो दस दो, इंसाफ लेना पवेगा जी, इंसाफ लेना पवेगा। और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी, ये एक एक चीज अदालत दे विच असी लेके जावांगे, लड़ाई हुण शुरू हो रही है, ताही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख नूं पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर नूं सुखबीर बादल नूं एसआईटी ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख, 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप नूं छड़ना नहीं जी, साड़ी सरकार आऊगी असी छड़ना नहीं। देख लो जी हिम्मत ओदी, जिस दे नाल पूछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप नूं छड़ना नहीं है। मैनूं अफसोस है, 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी, मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता। फिर मैं जीरो आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने, बाद दे विच मीडिया ने मैनूं पुछिया, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिता जी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पुछे कि पिता जी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहेंगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उनका जवाब यही होगा कि पुत्र दोबारा तेरी सरकार नहीं आऊंगी, दोबारा सरकार नहीं आऊंगी, क्यों तू, क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा, ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते, ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे, इन्होंने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ आ देखो, सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते, सारा चीज हो गया। फिर तुसी कहो कि इंसाफ मिल जाएगा, मांग नहीं करनी है जी इंसाफ, लड़ाई करनी है जी। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो, जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है, मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू, मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है, तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो, आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले, सिख बनन वास्ते धर्म परिवर्तन करन दी लोड़ नहीं है, मानस की जात सब एक है पहचानबो, धर्म परिवर्तन दी जरूरत नहीं है जी, जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हित, गुरु साहब ने तुहानू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हित, साड़ी लड़ाई जारी रहो, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी, जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है जी। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी, ये मेरी लड़ाई रही है। 14 सितंबर नूं सुखबीर बादल ने जो ऐलान किया, हुण ए लड़ाई मेरी ते सुखबीर बादल दे विच, और तुसी देख लेना जित किस दी हुंदी है, और मैं तो बेनती यही करांगा कि तुसी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। आज मैं भी वकील हां जी, 22 तारीख नूं 22 अप्रैल नूं नौकरी छड़ के 23 अप्रैल नूं मैं वकालत ज्वाइन कर लिया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, या हुण लड़ाई मेरी चली, कारण मैं तुहानू स्पष्ट बोलदा 2021 दे विच पिछले साल मैं आया इत्थे, कोई गल बात नहीं,
विश्वास सरकार आऊगी अगले साल आके ऐसी ऐलान ही करना है जहां तो हनु पहला तो ही पता रहे। लेकिन तुसी देखो तुसी देखो ये सारे बयान अदालत दे जाने चाहिए ने कि नहीं जाने चाहिए ने तुसी ये दसो कि एल के यादव दी सीट लेके जाऊगी नहीं लेके जाऊगी। बतौर वकील असी लेके जाना है बतौर वकील असी लेके जाना है ठीक है। ना अदालतों के विच भी छड़ना नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी तो लड़ाई लड़न का ही संदेश दिता लड़ाई लड़ो उन्होंने ये नहीं देखे उन्होंने ये भी पता नहीं है। जो देखो दो साहिबजादे शहीद हो गए सन जो उन्होंने ये कहा गया कि दो छोटे साहिबजाद सरहिंद की दीवार के चिन्ह दिता गया उन्होंने की कहा सी जी चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार जीवत कई हजार कई हजारां वास्ते उन्होंने अपना सारा कुछ सारा कुछ ही कुर्बान किया जी अपनी शहादत दी परिवार की शहादत दी और उन्होंने बच्चों नूं तुसी देखो उन्होंने बच्चों नूं तुसी देखो जदों साहिबजादा जोरावर सिंह फतेह सिंह इन्हां नूं दीवार दे विच मुगल बादशाह दे नवाब चिन्ह रहे सीगे उन्हां दी जुबानी चौथे क्लास दे विच सी हिंदी दे विच कविता है जी एक लाइन सुनावांगा एक लाइन